महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग में एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग की कमान संभाल ली है। उन्होंने 1 मई को खेले गए मुकाबले में टीम की कप्तानी की। धोनी की कप्तानी संभालते ही चेन्नई सुपर किंग की किस्मत भी खुल गई है और उसने सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत हासिल की है। आपको बता दें, इस मैच से पहले ही रविंद्र जडेजा ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में धोनी को वापस कमान संभालनी पड़ गई। इस बीच सीजन में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया, इस पर मैच के बाद धोनी ने खुद ही खुलासा कर दिया। बता दें, मैच के बाद उन्होंने कहा कि कप्तानी का असर जडेजा के प्रदर्शन पर पड़ रहा था। टीम के लिए बेटर फील्डर और बॉलर वाला जडेजा ही ज़्यादा ज़रूरी है, दबाव वाला नहीं, इसलिए ये फैसला लिया गया। आपको बता दें, मैच के बाद धोनी ने कहा, मुझे लगता है कि जडेजा को पिछले सीजन में ही पता था कि उसे इस बार कप्तानी करनी है। इस सीजन के पहले 2 मैच में मैंने उसकी मदद की, लेकिन उसके बाद मैंने सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी। फैसले लेने के लिए मैंने उसे स्वतंत्र कर दिया था। धोनी ने आगे कहा, एक बार जब आप कप्तान बन जाते हैं तो लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें होने लगती हैं। इसका असर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर भी पड़ता है। मुझे लगता है कि जडेजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। धोनी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि कप्तानी की जिम्मेदारी का असर उसके परफॉर्मेंस पर भी पड़ रहा था। मतलब है कि वो बैटिंग और बॉलिंग में अपना पुराना रंग नहीं दिखा पा रहा था। यही चीज उसकी फील्डिंग में भी हुई। हमें शानदार डिप मिड विकेट फील्डर चाहिए जो कप्तानी के भार के कारण दब रहा था। हम एक शानदार गेंदबाज और बैटर नहीं खोना चाहते। टीम के लिए शानदार ऑलराउंडर जडेजा ज़्यादा ज़रूरी है, जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में धमाल मचा सके। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ जल्दी पटरी पर लौट आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।